नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। हवाई किरायों में पीक सीजन में तेज बढ़ोतरी की कई शिकायतें मिलने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन से किराए की डिटेल मांगी है। डीजीसीए ने एयरलाइन से कहा कि वो सबसे ऊपर के किराए ब्रैकेट में बेचे टिकट्स का डिटेल सौंपे। डीजीसीए के मुताबिक उसने टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 शहरों के बीच रूट्स की पहचान की और मुंबई श्रीनगर कोलकाता गुवाहाटी दिल्ली लेह दिल्ली से मुंबई मुंबई से हैदराबाद जैसे 20 ऐसे रूट्स हैं जिनकी पहचान की। इन रूट्स को लेकर डीजीसीए को शिकायतें मिली हैं। दूसरी ओर सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने कहा कि मंत्रालय एयरलाइंस के साथ किराए को लेकर कंसल्टेशन कर रहा है ताकि पीक सीजन में किराए ज्यादा बढ़ने की शिकायतों को उन पर लगाम लगाई जा सके। तो डीजीसीए ने एयरलाइंस से मांगी है किराए की डिटेल और प्राइसिंग के तरीकों पर एयरलाइन से जानकारी भी मांगी गई है। डीजीसीए ने हवाई किराए में बड़े उतार चढ़ाव पर चिंता जताई और आपको बता दें डीजीसीए के मुताबिक टायर 1, टायर 2 और टायर 3 शहरों के 20 रूट्स की पहचान की गई है। समीर दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे डीजीसीए ने एयरलाइन से किराए की डिटेल मांगी है, कुछ किरायों को लेकर शिकायतें जो मिल रही थी उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए डीजीसीए जो एविएशन रेगुलेटर है उसने सभी एयरलाइन से साफ तौर पे पूछा है कि आप जो टियर 1 सिटी रूट पर आप ऑपरेट करते हैं उसमें आपका क्या फ्यूल कॉस्ट आता है और क्या आप एयरफेयर लागू करते हैं, जबकि छोटे शहर जिनको हम टियर 2 या टियर 3 सिटीज में मानते हैं जैसे पुणे हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इन शहरों पे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, लिहाजा आपका क्या एयरफेयर यानी कि क्या हवाई किराया वसूलते हैं और क्या हवाई किराया वाकई में बनता है, ये डिटेल उनसे मांगी है। लेकिन साथ में एक जानकारी और बता दूं कि अभी ठीक 2 दिन पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई है जिसमें सभी एयरलाइंस के जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग शामिल हैं वो सब उसमें उस मीटिंग में शामिल हुए थे, जिन्होंने एयरफेयर्स को लेकर अपनी बात रखी थी और साथ ही पेट्रोलियम मिनिस्टर के सामने सबसे बड़ी चिंता एटीएफ को लेकर यानी कि टर्बाइन फ्यूल को हवाई जो ईंधन होता है उसको लेकर अपनी बात रखी थी कि ऐसे में जब पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिर रही हैं लिहाजा भारत में भी इसका फायदा एयरलाइंस को मिलना चाहिए जिसका और यही फायदा वो आगे चल के यात्रियों को पास ऑन करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें शिल्पा, तो इस वक्त एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हवाई किरायों को नियंत्रित किया जा सके, आम लोग हवाई किराए तक पहुंच सके, हवाई सफर कर पाए, ये एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और सबसे अहम यह है कि जो एविएशन पॉलिसी इस वक्त लटकी हुई है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में उड़ान को मुमकिन करना है, उसमें हवाई किराए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, उसको सॉर्ट आउट करना है, लिहाजा एविएशन रेगुलेटर हरकत में आया है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को उनसे डिटेल मांगी है कि आखिर किन कीमत पे वो ये हवाई किराया दे रहे हैं और उनका एटीएफ यानी कि क्या फ्यूल कॉस्ट उनको बेयर अप करना पड़ रहा है, ये सारी जानकारी एयरलाइन से मांगी गई है। जी जी, बहुत शुक्रिया समीर इस बातचीत के लिए आपका। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और हवाई किरायों के बाद अब 3 राज्यों में सूखा के हालात की समीक्षा करने के लिए पीएम मोदी आज 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पहली मीटिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ होगी। इस मीटिंग में बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त महोबा इलाके के हालात पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी बैठक करने जा रहे हैं, सूखे के हालात की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। विशाल पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी, कब तक शुरू होगी? की बैठक शुरू हो चुकी है, सुबह 9:40 का वक्त निर्धारित किया गया था जब यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे और अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच ये बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि यूपी सरकार बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकती है। इसके अलावा बुंदेलखंड में पानी के वितरण के लिए 10,000 टैंकर की मांग करेगी यूपी सरकार और 5,000 इंडिया मार्का हैंडपम्प की मांग करेगी। और इसके अलावा जो ओलावृष्टि और अन्य चीज़ों से फसलें खराब हुई थी उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की मांग करेगी यूपी सरकार। तो कुल मिलाकर ये सूखे के हालात पर समीक्षा एक बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री खुद इसकी बैठक कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री आंकड़े पेश करेंगे, केंद्र सरकार ने अब तक कितना पैसा किस किस मद में यूपी सरकार को दिया है और कितना पैसा यूपी सरकार ने
खर्च किया और कितना अभी बचा हुआ है। तो जाहिर तौर पर सूखे के एक समीक्षा है और बुंदेलखंड सबसे केंद्र में होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से बुंदेलखंड में राजनीति भी जबरदस्त हो रही है, पानी के मुद्दे पर, सूखे के मुद्दे पर। तो एक समीक्षा बैठक ये की गई है और लगभग एक घंटे ये चलेगी। जी विशाल, ये बताइए कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पानी के टैंकर भेजे गए थे उसके बारे में भी क्या कोई खास चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में? देखिए, यूपी सरकार का साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार से उन्होंने पानी नहीं मांगा था, और केंद्र सरकार का ये कहना है कि बुंदेलखंड के हालात को देखते हुए वहाँ के सांसदों ने हमसे मांग की थी कि यहाँ पानी भेजा जाए, तो इसलिए हमने पानी के टैंकर भेजे थे। तो जाहिर तौर पर बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर चर्चा ज़रूर होगी, क्योंकि इस मीटिंग का एजेंडा ही सूखा और जल संकट है। तो ऐसे में बुंदेलखंड में पानी की जो स्थिति है उसको लेकर एक रिपोर्ट यूपी सरकार से भी केंद्र सरकार ने मांगी थी, और उसी मुद्दे पर चर्चा होगी। डैम की क्या स्थिति है, तालाब कितने खोदे गए, तालाबों में पानी है कि नहीं है, इसके अलावा नदियों के पुनर्जीवन को लेकर जो बुंदेलखंड में एक स्कीम शुरू हुई थी उसकी अभी स्थिति क्या है, तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।